स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश को कोरोना से जंग में एक बड़ी उपलब्धि मिली है। कोरोना से लड़ाई के लिए हमें जल्द ही एक और वैक्सीन मिल सकती है। इसकी खुराक नाक से दी जाएगी। जी हाँ, दरअसल भारत बायोटेक ने कोरोना की BBV-154 इंट्रानेसल वैक्सीन का तीसरा क्लिनिक ट्रायल पूरा कर लिया है। इस वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर दिया जा सकेगा। जानकारी के मुताबिक BBV-154 इंट्रानेसल वैक्सीन का पहला और दूसरा क्लिनिक ट्रायल किया जा चुका है। ट्रायल के दौरान वैक्सीन को पहली और दूसरी खुराक के तौर पर दिया गया। सफल परीक्षण होने के बाद बूस्टर डोज के तौर पर भी इसका परीक्षण किया गया। हालांकि बूस्टर डोज उन्हीं लोगों को दी गई जिन्होंने कोविड की दोनों वैक्सीन लगवा ली थी। BBV-154 को खास तौर पर नाक के जरिए शरीर में पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है। साथ ही इसे इस तरह से तैयार किया गया कि यह वैक्सीन दूसरे वैक्सीन के मुकाबले कम दाम में मिले। बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन को सेंट लुईस स्थित वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की साझेदारी में बनाई गई है। इसको लेकर भारत बायोटेक की संयुक्त प्रबंध निदेशक सुचित्रा के इल्ला ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमें BBV-154 इंट्रानेसल वैक्सीन का सफल क्लिनिकल ट्रायल पूरा होने की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इसे मंजूरी दी जाती है तो इंटरनेशनल टीके से बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान को अंजाम देने में आसानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।